केंद्र सरकार आरएसएस द्वारा जल्दबाजी में यूनिफॉर्म सिविल कोड थोपा जा रहा है। अभी तक इस कोड का ड्राफ्ट तैयार नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से हिंदू समाज में ही कलह निर्माण होगा, ऐसा आरोप एडवोकेट बाला साहेब अम्बेडकर ने लगाया। अकोला में आयोजित पत्रकार परिषद में वह बोल रहे थे कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। 2024 के चुनाव को लेकर केंद्र सरकार के पास अब समाज को विभक्त करने के लिए कोई मुद्दा बचा नहीं है, जिसके चलते अब मोदी सरकार और आरएसएस जल्दबाजी में कॉमन सिविल कोड लागू करने की तैयारी में जुट गया है। अभी तक कॉमन सिविल कोड को लेकर कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं है। आप पहले ड्राफ्ट तैयार कीजिए, उसे जाहिर कीजिए, बाद में हम चर्चा के लिए तैयार है, ऐसा स्पष्टीकरण वंचित बहुजन आघाड़ी के सर्वेसर्वा एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर ने दिया। अकोला में आयोजित पत्रकार परिषद में वह बोल रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी बावर्ची बनने निकले हैं, ऐसी टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि कॉमन सिविल कोड लागू करने के पहले आप यह तय कर ले कि हिंदू समाज की शादियां अंतरपाट से होगी या सप्तपदी व होम हवन से। कॉमन सिविल कोड से हिंदू समाज में ही कलह निर्माण होगा, ऐसा आरोप भी उन्होंने लगाया। लग्नाची पद्धत वेगवेगळी आहे। जेव्हा युनिफॉर्म करायचं म्हटलं किंवा कॉमन करायचं म्हटलं, एकत्रित करायचं म्हटलं, तर ह्या दोन विवाह पद्धतीपैकी कुठली तरी एक विवाह पद्धत त्या ठिकाणी स्वीकारावी लागते। लग्नविधी हा सर्वसामान्य माणसाच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे असं त्या ठिकाणी आम्ही मानतो। त्याच्यामुळे ही जी घाई चाललेली आहे, ही घाई हिंदू समाजातच भांडणं लावण्यात अशी असणारी परिस्थिती आहे। मान्यता कोणाला द्यायची? अंतरपाट ज्या पद्धतीनं लागतं तिला असणारा मेन किंवा एकच लग्न पद्धती मानायच्या का? की होम हवन आणि सप्तपदी ही लग्न पद्धत जी आहे तिला मेन पद्धत मानायची का? याच्यावरती मोदीने एकमत करून हिंदू समाजातच घेतलेलं नाही अशी असणारी परिस्थिती आहे। आणि यामुळे आरएसएस बीजेपी नरेंद्र मोदी यांचं सरकार ते ड्राफ्टही सर्क्युलेट करू शकत नाही अशी असणारी परिस्थिती आहे। परंतु 2024 लोकसभेच्या निवडणुका लक्षात घेत आता त्यांच्याकडे कुठलाही मुद्दा राहिलेला नाही, समाज विभक्त करण्याचा कुठलाही मुद्दा राहिलेला नाही। या कारणास्तव भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने, नरेंद्र मोदीने आणि आरएसएसने कॉमन सिव्हिल कोड काढलाय आणि त्याची चर्चा सुरुवात केली आहे।